टू कंग्रेचुलेट हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनको और सभी दर्शकों को और सभी क्रिकेट फैंस को. प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड देन इट पेड ऑफ. उनके फिटनेस पे, उनके प्रैक्टिस पे और उनके हार्ड वर्क के ऊपर प्रॉपर एक मॉनिटर करके ये रिजल्ट हमें मिला है. यस इंडीड आई विश आई प्रे कि हमें ये वर्ल्ड कप वापस हमारे देश हमारा देश जीते. रियली हैप्पी कि जो 20 साल का रिकॉर्ड हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तोड़ पाए और ये रिदम ये मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड करके वर्ल्ड कप हमें बस वापस भारत को दिलाना है, वही एक आशा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनको और सभी दर्शकों को और सभी क्रिकेट फैंस को. भारत के जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगी. और इट्स नॉट एन कंफर्टेबल विन बिकॉज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एंड देन इट पेड ऑफ ऑन द फील्ड. सो यही एक वजह रही है कि पहले से जैसे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था उससे पहले बहुत सारी सीरीज़ खेली गई, बहुत सारे प्लेयर्स को चेक किया गया और उनके फिटनेस पे, उनके प्रैक्टिस पे और उनके हार्ड वर्क के ऊपर प्रॉपर एक मॉनिटर करके ये रिजल्ट हमें मिला है. मैडम लगता है कि फिर एक बार वर्ल्ड कप हमारे घर वापस आएगा? इट्स अ जस्ट के हम ऐसे बोलते नहीं हैं कि वी आर गेटिंग बैक अवर वर्ल्ड कप टू अवर कंट्री, बट यस इंडीड आई विश आई प्रे कि हमें ये वर्ल्ड कप वापस हमारे देश हमारा देश जीते और पूरी देशवासियों की तरफ से हमें ये प्रिविलेज मिले. मैडम खास करके रविंद्र जडेजा के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल है. गेंदबाजी से तो वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहे थे, लास्ट मैच में उन्हें बैटिंग करने का मौका भी मिला न्यूजीलैंड के सामने, एक नाबाद शानदार पारी खेली, उनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? जो पोजीशन पे वो बैटिंग करने आते हैं तो वो एक प्रेशर सिचुएशन होता है और उनका एक जो रोल होता है वो फिनिशर का रोल टीम ने उनके ऊपर दिया है. तो ऑब्वियसली एक भरोसा और उनकी जो मेहनत है और जिस हिसाब से पिछले कई सालों से वो इसी सिचुएशन के लिए बने हैं वैसा हम देख रहे हैं और तो काफ़ी अनुभव है उनको ऐसी प्रेशर सिचुएशंस का. तो बस वही एक था कि उनके फिटनेस, उनका हार्डवर्क और जो एक टीम का जो फेथ है कोचेज और कैप्टन का, तो उन्होंने वो पेड ऑफ किया. आई एम रियली हैप्पी कि जो 20 साल का रिकॉर्ड हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तोड़ पाए और हमने ये मैच जीता और बहुत ही अच्छे माध्यम से जीता. तो बहुत ही खुशी की बात है और मैं भारतीय टीम के लिए भी खुश हूँ कि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस था कि सभी प्लेयर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन इस मैच में किया और दे वे लुक प्रिटी कंफर्टेबल. और एक जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है और एक आपका मनोबल होता है वो आपको ऑन फील्ड भी दिखता है. तो इंडियन टीम लाइक ऑन दिस जोन कि एक जो मनोबल है वो उनका दिख रहा है अभी. मैडम आने वाले मैचेस के लिए टीम इंडिया के लिए क्या मैसेज देंगी और बतौर भारतीय क्रिकेट टीम की रविंद्र जडेजा की पत्नी और भारतीय क्रिकेट टीम की फैन होने के नाते कैसे सपोर्ट करेंगी? जी एज ए नॉर्मल सपोर्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है उनके लिए मैं वही कहना चाहूँगी कि जो परफॉर्मेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करें और बस बेस्ट विशेज हैं क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेट के बारे में कमेंट नहीं किया जाता एज ए दर्शक के माध्यम से, हम तो जस्ट देखते हैं एंड वी गॉट एक्साइटेड समटाइम्स. तो बस वही है कि ये रिदम ये मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड करके वर्ल्ड कप हमें बस वापस भारत को दिलाना है, वही एक आशा है. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.